अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मेरा नाम राणा दानुदसर है। बहरिया टाउन में कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, एक कॉमन क्वेश्चन है, बारहा पूछा गया, इस पर कमेंट करेंगे कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में भी बिल्कुल इन्वेस्ट करना बनता है, लेकिन अगर फ्यूचर में आप लोग आके रिहाइश करना चाह रहे हैं तो उस हवाले से भी, अगर रेंटल रिटर्न आप लोग इन्जॉय करना चाहते हैं और प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यू है या प्राइस है उसकी अप्रिसिएशन भी चाहते हैं, अच्छा आरओआई चाहते हैं, तो मैं आपको रेजिडेंशियल से निकाल के कमर्शियल की तरफ लेके जाना चाहूँगा कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में एक तो रेगुलर बेसिस पे आपको रेंटल रिटर्न अच्छा मिलता है और फिर जो आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्राइस की ग्रोथ है या आपकी इन्वेस्टमेंट डेवलप हो, तो उस सूरत में आपको यानी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की तरफ लाजमी सोचना है। और ख़ासकर पूरे पाकिस्तान में कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का स्टाइल या प्राइस बढ़ने का अंदाज़ कुछ और होगा, लेकिन बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज़, ख़ासकर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, इनकी कीमतें बढ़ने का अंदाज़ कुछ और है। मैं इसकी बात करूँगा कि यहाँ पर जितने भी शॉप्स बनी हुई हैं, जितने भी ग्राउंड फ्लोर के शोरूम्स हैं, ऑफिसेज हैं, जितने भी मॉल एंड रेजिडेंसी के कॉन्सेप्ट के मुताबिक शॉपिंग मॉल्स हैं, उसके अंदर जो शॉप्स बनी हैं या ऑफिसेज हैं, कमर्शियल स्पेसेस हैं, हर जगह पे आज से दो साल तीन साल पीछे चले जाएं तो बहरिया टाउन में प्रॉपर्टीज़ की कीमतें जिस पेस से आज बढ़ती चली जा रही हैं, आने वाले 10 साल तक इसी तरह से ये ग्राफ, हर दो से तीन साल के बाद वो ग्राफ अपवर्ड्स मूव करता जाएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर बहरिया टाउन कराची में प्रॉपर्टीज़ की कीमतें जितनी भी होंगी उसको हम 10 इक्वल यानी फेजेस में डिवाइड करें, तो आज बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज़ इसकी कीमतें चौथे फेज़ में लाए कर रही हैं, अभी 6 फेज़ मज़ीद बाकी हैं और उसको भी इस मार्केट ने चेज़ करना है, फुलफ़िल करना है, वहाँ तक भी उस टारगेट तक भी पहुँचना है, इसकी कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी। आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर मेन जना एवेन्यू के ऊपर तकरीबन 75,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से लेके 1,20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक की प्राइस रेंज में आज बुकिंग हो रही है या रीसेल हो रहे हैं या रेडी टू शिफ्ट आपको मिल जाते हैं, तो इसके मुकाबले में कराची शहर के बहुत सारे इलाकों में ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके ग्राउंड फ्लोर आज 3.5 लाख से 4 लाख या 5 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट तक भी बिकते हैं। तो अभी इन प्रॉपर्टीज़ को ग्रो करना मज़ीद काफ़ी बाकी है, तो लिहाजा जितनी भी ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स हैं वो ग्रैंड मस्जिद के करीब हों, रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के पास हैं, या प्रीसिंक 10 या 11 के लूप रोड पर कहीं दिया जाने वाला ये प्रोजेक्ट है, इन सारी जगहों पर बहुत अच्छी तादाद में ये चीज़ें ग्रो करेंगी, इम्प्रूव होंगी और इसी तरह ये चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। और मैं आपको फिर रिकमेंड करता हूँ इस सवाल के जवाब में कि आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए या कमर्शियल में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो एक तो ये आपके इंटरेस्ट पर भी डिपेंड करता है, फिर आपके बजट पर भी, और अगर आपने फ्यूचर में उस प्रॉपर्टी में जाकर रिहाइश करनी हो तो आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की तरफ इन्वेस्ट करें, और अगर आपने जस्ट रेंटल रिटर्न इन्जॉय करना है या एक आरओआई देखना है कि आपने इतना कैपिटल इन्वेस्ट किया और एंड ऑफ द डे हमारा आरओआई क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, तो फिर आप कमर्शियल के अलावा किसी भी और प्रॉपर्टी पर ना सोचें। फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारा पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, मैं और मेरी टीम इन सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाते हैं। थैंक यू सो मच।